गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन तहां सबनी के आज जी ने खूबसूरत प्रोग्राम में सब संगियन साथियन के भलीकार असान जो मोहब्बतों आज तहां सबनी जे नाले असान सब सिंधी भाई जे कहते आहे न भेनरू आहे न उनन के फखर आहे ता साज हिने जबरदस्त प्रोग्राम्स जो हिस्सा आयो ऐं असां अदा साईं ताहिर ऐं अदी साइन अदी हलीमा उन्हनि जा बि थोराए था आहियूं ऐं उन्हनि जी सॼी टीम जा थोराए था आहियूं जीअं असांखे इहे प्लेटफॉम ॾिनो त असां पंहिंजी ज़बान अदब ऐं सकाफ़त जी, जी, जी नुमाइंदगी करे सघूं ऐं हिननि जी अंथक महिनतनि खे क़ाबिशनि खे असांजा सलाम आहिनि जंहिं इहे फोरम अज जो साउथ एशियन लिटरली फेस्टिवल इन जो पौ प्रोग्राम मुनद किया अस ख्वाहिश रखू त पाया खोड़ सारिय दुआउं आन जो ये फेस्टिवल सदा ही ईं ही गड सी जुबान खी हल्द रहे जा, मान दे तरक् वाण्यों एंड आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुलवेंट टूडे एंड आउ रियलीब्लाइ टू शेयर द स्टेट विद सो मेनी लैजेंड्स टुडे सिंधी कम्यूनिटी इज़ सो थैंकफुल टू तााहर भाई एंड हलीमा जी एंड देयर होल टीम टू टेक द इनिशियटिव टू स्टार्ट साउथ एशियन लिटरेली फेस्टिवल इन कैनेडा हम अपनी सिंधी कात की एक रवायत के पेश नज़र अपने प्यारों को इज़्ज़त अफजाई करते हुए उन्हें अजरक के तहफ पेश करते हैं मैं दरख्वास करूँगी मोहतरम ताहिर भाई और मोहतरम हलीमा जी का कि प्लीज़ स्टेज से स्टेज पर तशीफ लाइए बाकायदा सेशन का आगाज़ करते हुए मैं मैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब का एक सिंधी शेर है जो कि एक दुआया कलमा है साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंधी ज़ुबान की एक तारीख़ी अहमियत है जिससे बिला शुबा को इनकार नहीं मगर इस ज़ुबान की मिठास खूबसूरती और एक तिलसमाती मकनातीसी एक ऐसी थी जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये ज़ुबान सीखूं। तो मेरे अपने तारुफ में भी चूँकि मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी है लेकिन मैंने उर्दू चूंकि हम लोग सब पढ़ते हैं वहाँ पे तो उर्दू के लिए सीखने के लिए कोई ऐसा आ, मुश्किल पेश नहीं आती लेकिन मैंने सिंधी ज़ुबान उसकी जादुई कैफियत में उतरने के लिए मैंने वो ज़ुबान एज़ ए लैंग्वेज सीखी पढ़नी सीखी बोलनी सीखी और लिखनी भी सीखी और आज मैं फ़खर से ये कह सकती हूँ कि मैं सिंधी ज़ुबान पढ़ और लिख और बोल भी सकती हूँ अब मैं तारफ़ कराती चलूँ अपने पैनलिस्ट का सबसे पहले उधर अगर देखा जाए तो सबसे पहले अदा मंजूर मेरानी तशीफ़ फरमा है ये आ, अदा मंजूर मेरानी भी मीडिया से वस्ता एक ऐसी शख्सियत हैं जिन जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं वहाँ सब लोग इनको जानते हैं और 25 साल से ज़्यादा वक्त जो है वो इन्होंने सहाफत में गुजारा है मीडिया से वाबस्ता रहे और इनका एक छोटा सा तारुफ ये भी है कि ये बहुत पुरअसर आवाज़ के मालिक हैं आपने सुना होगा अंग्रेज़ी का एक कॉल था कि समाइम इट डजेंट मैटर वट यू से इट मैटर्स हाउ यू से तो ये इनकी आवाज़ में वाकई ये जादू है कि ये बहुत खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप मेरे पैनलिस्ट को जानते जाएंगे सिंधी ज़ुबान के लेखक होने की हैसियत से वो इद, आ, जो एक बड़ा अखबार है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला है सिंध में काविश उसके इदारती सेक्शन के एडिटर रहे हैं आर्टिकल एडिटोरियल भी लिखते रहे हैं 300 से जायद आर्टिकल्स लिख चुके हैं और बी बी सी उर्दू डॉट काम में फ़ीचर्स और कॉलम भी लिखते रहे हैं और डिफरेंट इंटरनेशनल क्वंसल्स जो हैं उस वो तर्जुमानी के फ्राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं और पाकिस्तान न्यूज़पेपर एसोसिएशन की तरफ से बेस्ट कॉलम निगार का अवार्ड भी ले चुके हैं मेरे दूसरे पैनलिस्ट हैं जो कि हमारे मेहमान भी हैं अमेरिका से तशरीफ लाए हैं हसन मुशतबा साहब उर्दू सिंधी पंजाबी तीनों ज़ुबानों के शायर हैं और एवॉर्ड याफ्ताफ़ी हैं कसरसानी लिखारी रहे हैं इंसानी हकूक़ के तहफकार भी हैं इनकी तीन किताबें जो हैं वो शायरी की शाया हो चुकी हैं एक उर्दू पंजाबी और सिंधी में और अभी एक और इनकी माजी करीब में एक इनकी शाया हुई है जिसमें उन्होंने अपने बीबीसी में लिखे जाने वाले कॉलम्स अपने एडिटोरियल और अपने मवाद जो है वो उसमें जमा किया है इसके साथ साथ सिंध के अजीम शायर सूफ़ी शाह भटाई के मुंतब अबियात का अंग्रेज़ी में तर्जमा भी शाया हो चुका है और इसका राइटिंग के हिसाब से मतलब ये नहीं है कि बहुत सीरियस किस्म के राइटर हैं कुछ फिल्मी गाने भी लिखे हैं इन्होंने और ह्यूमन राइट्स के लिए तो वो हमेशा ही जो है वो लिखते रहते हैं इनके पास भी अवार्ड्स की कमी नहीं है बल्कि जो मैं दो अवार्ड का जिक्र करना चाहूँगी श्रीलंका के साउथ एशियन कोडिकारा अवार्ड और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइज़ नो इंटरनेशनल जर्नलिज्म अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है और मैं फख्र महसूस कर रही हूँ कि आज मैं स्टेज पे इतने बड़े राइटर के साथ बैठी हूँ अब मेरे पास जो एक शख्सियत हैं मेरे तीसरे भाई हैं इसके लिए इनका नाम है पिताम्बर लोहानो ये हमारे कनाडा के कनाडा में ही मुकीम है इनके तारुफ का सिलसिला जो है वो हम सिंध से ही शुरू करेंगे इनका ताल्लुक सिंध के उस साहिली इलाके से है जहाँ सिंध के सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने सुर सामोनी लिखा और पेशे से आप इंजीनियर हैं कम उम्री से ही लिखने पढ़ने के शायक रहे जनरल सदर हक के महारशाला के दौर में जब बहुत घुटन का माहौल था उस दौर में आप कहानी नवीस भी रहे सियासी तौर पर खुद को मार्क्सिज्म के करीब गंद आते हैं और तकरीबन एक साल से अपनी अखबार के नाम से एक अखबार में हफ्तावार कॉलम भी लिख रहे हैं इनके कॉलम अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो हर बुध के रोज़ अखबार के साथ साथ अपने पेज पर भी शेयर करते हैं और आजकल अपनी एक किताब समाज का फलसफा के नाम से तबाजमई में मसरूफ़ हैं कैनेडा में कैम्ब्रिज में रहायश पजीर हैं तो ये थे आज हमारे तीन पैनलिस्ट तो जैसे जैसे सवाल सिलसिला चलता रहेगा तो अगर आप लोगों में से किसी को कोई सवाल पूछना हो या किसी चीज़ की वजाहत मतलूब हो तो आप पैनल से सवाल कर सकते हैं अब मेरा मुख्त तारफ़ मेरा नाम रूही तबसम है जैसे मैंने अभी बताया कि मैं उर्दू ज़ुबान में भी उर्दू ज़ुबान में पंजाबी में और सिंधी तीनों ज़बानों में तबाजमाई करती हूँ इसलिए कि पंजाबी मादरी ज़ुबान है उर्दू और सिंधी मैंने पढ़ी है पढ़नी से मुराद के लिखना बोलना और पढ़ना सीखा और 22 साल से कनाडा में मुक्म हूँ कहीं ना कहीं मैं ऐसे छोटे प्रोग्रामों में नज़र आती रहती हूँ आज का प्रोग्राम सेशन तो ख़ैर बहुत बड़ा है मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं यहाँ हूँ ताहर भाई अलीमा बहुत शुक्रिया आपका अब बायदा सेशन का आगाज़ करते हुए जिस तरह जब भी आप किसी भी ज़ुबान को मुकम्मल तौर पर सीख लेते हैं तो ज़ाहिर है उसके बारे में आपको अंदाज़ा हो जाता है पढ़ने के बाद कि उस ज़ुबान में किस किस्म का मवाद लिखा गया और मुझे भी इसी तरह जब मैंने सिंधी ज़ुबान पढ़ ली तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसकी अदबी अहमियत भी बाकी दूसरी तारीखी ज़ुबानों से किसी तौर भी कम नहीं है इसी तरह जब ये चीज़ें आपके जहन में उभरती हैं कुछ सवाल आते हैं इस इस तरह जैसे कि आज मेरे पास ये तीन शख्सियत बैठी हैं मुझे शर्फ हासिल हुआ बहुत से राइटर्स और सहाफ़ी लोग और लिखने पढ़ने वाले तबके से मेरा ताल्लुक़ रहा कि उनके साथ मिल के मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं इस ज़ुबान को सीखने के बाद बहुत कुछ नया सीखने को मिला अब मैं दरखास्त करूँगी आज के प्रोग्राम के आगाज़ में जनाब हसन मुशतबा साहब से कि वो ऑडियंस को थोड़ी सी जानकारी दें कि सिंधी अदब का मुख्तर तारुफ अपने अल्फाज में और उसकी तारीख़ पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें जनाब हसन मुशतबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत अली रूही और तमाम दोस्त ख़ास हलीमा सदिया साहबा और तायर स्लम गोरा साहब और उनकी टैंग और साउथ एशियन लिटरे फेस्टिवल कमेटी और ये सब कुछ और सिंधी अदब का तारुफ़ कराने से पहले मैं आपकी इजाज़त से एक और यहाँ एक ऐसी शख्सियत का तारुफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ और क्योंकि ये सिंधी अदब पे सेशन है तो सिंधी अदब में शेखयाज बहुत बड़े शालतीफ़ भिठाई के बाद सबसे पोइट लारियथ हैं और, और उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अगेन जो है शादिया हलीम साहिबा और तयर असलम गोरा साहब का कि आपने सिंधी ज़ुबान को इस साउथ एशियन लिटरे फेस्टिवल में अपना जायज़ मुकाम दिया जो कि बाकी साउथ एशियन ज़ुबानों के साथ जो कि पाकिस्तान जो है आज तक छहत्तर साल में नहीं दे सका कि अब हम वहाँ जो है हम मीडिया में इलाकई ज़ुबान हैं और आपने उनको साउथ एशियन लैंग्वेज का बहुत शुक्रिया <laughs>

जाद मखदूम एक सिंध की लेजेंड है मॉडर्न ले और जो है अपने दौर का मशहूर तालिब आम रहनम लेफ्ट वैनकूवर से तशरीफ लाए हैं और ये जो थे सोलह सत्रह साल की उम्र में आप तस्वुर करें कि बंग्लादेश फार्मर इस पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन था जो याया ख़ानी जनता का उनके खिलाफ पंपलेट लिखा हाथ से और फिर जेल गए पंद्रह सोलह साल की उम्र में और उसके बाद फिर अली भुट्टो की उम्र दौरे हुकूमत में भी वो लम्बी तवील के इतक वो आज हमारे दरमियान मौजूद है ये तो उनका सियासी तारफ हुआ अदबी तारफ़ यह है कि उन्होंने दो मास्टर पीसेस का मुझे पता है एक रोजक से ख़त लिखे का सिलसिला लिखा था और दूसरा लिखा था मुझो माजी हाल मुस्तकबा इस्लाम शार्ट स्टोरी थे वो आज यहाँ मौजूद है तो उनको मैं आपके बेहव पे खुश आहद कहता हूँ अपने लफ्स को सके बिल्कुल बिल्कुल तो वो जायसए मोहन जो दड़ो की जुबान जो है अभी डिसाइफर होने के मरलों में है तो सिंधी अदब का असल में जो मैं शुमार करूँगा वो वहाँ से सफ़र शुरू होता है जहाँ दरियाए सिंध या सिंधु के किनारे वेद लिखे गए रंगवेद में कम से कम तीस जगह पे सिंधु का जिक्र है गंगा का जिक्र नहीं जमुना का जिक्र नहीं क्यों नहीं मगर सिंधु का तीस प्लेसिस पे जगहों पे ऋग्वेद में जिक्र है और सबसे तवील नजम जो समझी जाती है वो है महाभारत और महाभारत में भी सिंध के राजा का जिक्र है नाम में अभी जय जे, जयसरत जिन्होंने दुशाला से शादी की थी उन सिंध के तो मैं समझता हूँ सिंधी अदब जो है वहाँ से शुरू हो रहा है फिर प्राण आए स्क्रिप्चर्स आए ऐतिहासिक जो डॉक्यूमेंट्स आए पुराने तो ये सब चलता आ रहा है इसमाइली इसमाइली जो पेश शायर थे इसमाइली जो सूफी थे उनमें मुल्ला नूरुद्दीन के जो चौगान थे इसमाइलीओं के चौगान वो भी सिंधी अदब का हिस्सा बने और फिर अबुल हसन की सिंधी और इस तरह करते करते फिर आगे आया काज़ी काजन काजी काजन सिंध का पहला शायर है और काजी काजन जनाब वो था जो सगीर के बरगजी सूफी मियाँ मीर के नाना थे मियाँ मीर लाहौर में दफन है जब अमृतसर में गोल्डन जब अमृतसर में गोल्डन टेंपल की संग बुनियाद रखी जा रही थी तो मियाँ मीर को उसमें संग बुनियाद की तकरीब में मजू किया गया था अदा होगा पांचवें गुरु ने किया था उनको वहाँ तो सिंधी अदब का पहला शायर काजी काजन था और काजी काजन के सिंध और गुजरात में इसी तरह इज़्ज़त उसकी एहतराम किया जाता है गुजराती उनको कहते थे काजी काजन को छः सात उनके श्लोक मिले हैं उनकी ज़िंदगी में तो हिंदुस्तान में सिंधी मशहूर सिंधी मारूफ़ सिंधी अदीब है हीरो ठाकुर उन्होंने उनको डिस्कवर किया उन्होंने उन उनके तमाम अश्लोक जो हैं वो किताबी सूरत में लाए और हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिंध में डॉक्टर नबी बश बलोच ने हीरो ठक काजी काजन के इस्लोक लाए तो सिंधी शायरी का सफ़र तो काजी काजन से शुरू हुआ और फिर सिंधी जुबान की जो तीन मूर्ति है सिंधी शायरी की शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और सचल सरमस्त चैन राय सामी इनको कहा जाता है ये सिंधी जुबान की तीन तीन मूर्ति है आगे चलकर जो है सिंधी शहरा सूफ़ी शरा तो बहुत से हैं फिर जब हम मॉडर्न टाइम्स में आते हैं तो सिंधी शायरी का सिंधी अदब का सफ़र वहीं से शुरू हुआ जहां से प्रिंटिंग प्रेस सिंध में पहुंचा शिकारपुर में हैदराबाद में सिंधी प्रिंटिंग प्रेस सिंध में लेथो प्रेस तब पहुंचा या लेथो से भी पहले जो भी इसकी शक्ल थी वो तब पहुँचा जब सर बॉल्टल फ्रेयर ने जो है 1852 में सिंधी अरबिक स्क्रिप्ट जो है उन्होंने बनवाया या खुद उसकी एक कमेटी बनाई जिसके कमिश्नर ऑफ सिंध वो उसके सर सरबरा हुए तो किस्सा अलमुखसर अल्म, तो देखिएगा कि अंग्रेज़ों ने जनाब ये ये एहसाना किए उन्होंने बनाए मगर देखे वो जो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई है उन्होंने स्क्रिप्ट करवाया तो जेठवल परसराम एक बहुत बड़े सिंध के राइटर थे तो उन्होंने अखबार में अपनी में एडिटोरियल लिखा नाइनटीन नाँटी में उसमें उन्होंने सिर्फ शाह अब्दुल्ल भिटाई की आधी एक लाइन जो कोट की अपने एडिटोरियल में कला लकें कला लकें हट कुसन जो कूप, कूप वे वह देर के, देर इज लाइन ऑफ बींग वाइन मेकर शॉप इस तरह मतलब लिटरली ये हुआ तो उस पर उनशन का मुकदमा हो गया भारत एनी वे बीसवीं सदी में जब आते हैं ये मिर्ज़ा कलीच बेग न उन, उन्नीसवीं से बीसवीं सदी के अवैल में तो वो पहले इमाम हैं सिंधी प्रोस के और पोइट्री भी उन्होंने कीटो बायोग्राफी भी लिखी मिर्जा कली मिर्ज़ा कलीच बेग के बाद जो है एक मूर् फिर एक, एक तीन मूर्ति है तीन मूर्ति है सिंधी अफसाने की लाल लिनो अमर, अमर लाल अमर लाल लाल लिनो अमर हंगो रानी एंड लाल लिनो अमर आसानंद माम तो राय ए मिर्जा नादिर बैग ये है सिंधी जो है अफसाने की से मूर्ति मगर जो सफ़र होता है प्रोग्रेसिव सिंधी पोइट्री का मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कुशन चंद अजीज़ बेवस ये पहले शायर थे लाड़काना के जिन्होंने नाइनटीन टवेंटी में जो है उन्होंने एक नजम लिखी उससे पहले गुलबुल की शायरी ये वो सब होता था रोमेंटिक और उसने लिखा अल्लाह झुरे मशाल गरीब अंजी जी कि अल्लाह या अल्लाह अल्ला, कि ये जो गरीबों की जो झूपड़ी है ये गिरने ना पाए तो ये उसकी पहली प्रोग्रेसिव लाइन थे शेखयाज उसी ट्रेडिशन को फॉलो करता है नारायण श्याम उस ट्रेडिशन को फॉलो करता तो फिर मैं इस दौर को अपनी बात ख़त्म करते हुए सिंधी अदब के दौर को यूँ तकसीम करूँगा कि तकसीम से पहले का अदब सिंधी अदब प्री पार्टीशन तकसीम के बाद का और तकसीम के बाद में भी वन यूनिट से पहले का अदब और वन यूनिट के बाद का अदब तो ये सब उस पर घूमते हैं जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी सवाल होंगे तो मैं उस पर ज़्यादा रोशनी डालूंगा मगर शेख शेख शे, शे, अपना शाह अब्दुल अजी बिठाई के बाद इस वक्त अगर कोई बड़ा शायर है हमारे पास सिंध में उस, उस लेवल का तो वो शेख हयाज है यकीनन बहुत शुक्रिया आ, हसन भाई आपने बिल्कुल सही कहा बेशक शेख हयाज बहुत बड़ा शायर है जाय साई ताके भलीकार तहां घणे वडा मानु इते बैठाएं तो को नढो नढो क्वेश्चन एकड़ो कजे सबनी हां तो आपसे मैं ये एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी कि जैसे हम सब जानते हैं कि दुनिया की बहुत तेज़ी से बदलती हुई हालत जो बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है तो इस बदलते हुए इन बदलते हुए हालात के पेश नज़र सिंधी अदब की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय है पहली बात तो सही मैं आपसे ये बोलूं कि आपका बहुत मेहरबानी और हसन साई की बहुत मेहरबानी कि मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को आपने इज्जत फरमाई सो ग्रेटफुल टू यू बड़ा, so बड़ा अच्छा सिंधी अदब जो है मेरी नजर में इज अ लाइव ऑर्गेनिज्म इट्स इट्स नॉट समट इज़ डैट हैज़ अ गॉन इंटू सम फॉर्म ऑफ ओकलटेशन मेरा मसला ये ऐसा ही कि मैं वैनकुंवर शरीफ में रहता हूँ और वैनकुंवर साहब में रहता हूँ और वहाँ पे सिंधी बोलना बहुत कम मिलता है उर्दू बोलना तो नहीं आता गाँव के लोग हैं बाकी अंग्रेजी में काम चलता है तो अंग्रेजी में थोड़ी बहुत इधर उधर लगा रहूंगा आई होप यू विल फोर गिव मी फॉर दैट एंड आई apologize अपॉलोजाइज टू यू फॉर नॉट बींग एबल टू टॉक विथ यू इन द that आई वॉज बोर्न इन एंड इन द language इन विच यू आर बोर्न इन तो उसका कहने का ये मकसद है कि हमारा सिंध का जो uh, लिटरेचर है वो इस वजह से डोरमेंट नहीं है क्योंकि उसके लिंक जो हैं वो आवाम से हैं और आवाम के राइट्स से है आवाम के, के जो हुकूक हैं जब आप उनके साथ एक आ, ट्रेडिशन को लिटरेरी ट्रेडिशन को लिंक करो तो उसमें डोरमेंसी आ ही नहीं सकती क्योंकि Human quest for emancipation is a live issue. Human quest for emancipation could never be dormant. If we become dormant while seeking emancipation of our fellow human beings, then uh, we have ceased to exist. Then we are no more. In that respect, if we look at Sindhi poetry, that Hassan Sai gave a beautiful review of Sindhi poetry from Kazi Kazan, uh, who I consider equivalent equivalency yoga, Dr. Johnson and Chaucer, and a people of that era, uh, way before Shakespeare. Acha. अब uh, uh, आजकल के ज़माने में शेख अयास तो इज जायंट जो दूसरे लोग हैं उसके इर्द गिर्द इमदाद हुसैनी अ ग्रेट सिंधी पोइट ही जस्ट डाइड फ्यू वीक्स अगो हमारा एक बहुत बड़ा अफसान नगार है अमर जलील सिग्निफिकेंट uh, कॉन्ट्रीब्यूशन And all of these people are relevant because they are connected with the exigencies and struggles of the people on the ground. These people are not; they have not excised themselves like I have done. I left Pakistan because of uh, whatever uh, treacheries uh, that Ziaul Haq was. Uh, Kind of uh, given to us, but that's a separate issue. People like Jalil live there. They are still making their uh, life there. And they are threatened. Amar Jalil is threatened that's with right. life. When your literature is so powerful that it irks the powerful, you have it made. And Jaleel's reflections have irked the ruling classes, have shown them a mirror, which is necessary for them to see. अब वो लोग उसके पीछे हैं, उसको बोला हुआ है कि बाबा इसको अगर आप मार दोगे तो आपको सवाब मिलेगा राइट वो हसन साइ ने ये बात हमारे ऊपर भी 73 में जमात इस्लामी ने यह फतवा लगाया था कि इस आदमी को अगर मार दो जाहिद मखदूम को तो आपकी जन्नत तो पक्की हो ही गई ये तो रिवाज है हमारे मुल्कों में कि जिससे हो एक तलाफ उसे मार दीजिए तो ये तो आप तो उसके खुद जो हैं वो रहे हैं तो आप मैं अंदाजा कर सकती हूँ कि ये मुश्किल जो है ये हमारे यहाँ भी और कुछ हद तक अभी इंडिया बांग्लादेश में भी ये ट्रेंड है हमारे यहाँ कुछ थोड़ा ज़्यादा है तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इतफ़ाक़ करती हूँ इतने ज़्यादा जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो इतने ज़्यादा फेवरेबल भी नहीं हैं उसमें आपको क्या लगता है कि सिंधी अदब जो है उसका मुस्तबिल आप क्या देखते हैं आगे जाकर बल, अदब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी नज़र में मैं अदब को एथनिसिटीज़ में डिवाइड नहीं करता मेरी नज़र में अदब इज़ अदब और अदब का जो बुनियादी जो इंग्रेडिएंट है उसका जो बुनियादी जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो बिल्डिंग, बिल्डिंग ब्लॉक है इमानिसपेशन ह्यूमन इमानिसपेशन इंसानी आज़ादी राइट right? उस आज़ादी को आप कैसे भी इंटरप्रेट करो मजहब के तौर पे इंटरप्रेट करो सियासत के तौर पे इंटरप्रेट करो एथनिसिटी के बुनियाद पे इंटरप्रेट करो इमैनिसपेशन जब इंसान अपने आप को आज़ाद समझना शुरू करे यू हैव इट मेड और उसका अपना हम ये स्ट्रक्चरली और इंस्टीट्यूशनली ये नहीं बोलेंगे हाँ जी हमारे पास जमूरीत आ गई है नो वी हैव टू रेकग्नाइज़ कि अगर जमूरीत भी है तो इट्स स्टेट ऑफ माइंड और हमारी वो स्टेट ऑफ माइंड है तो उस वजह से जो है वो ये जो सारी जद्दोजहद है अदब की उसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये सिंधी का अदब जो है ये इसमें हमें सिंधी के अदब का एक मिसाल हम दे सकते हैं कि सिंधी के अदब में ये स्ट्रेंथ है कि उसमें डोरमेंसी नहीं रही दैट इट हैज बिकम एन ऑर्गेनिक एलिमेंट राइट और वो ऑर्गेनिक एलिमेंट जो है वो अपने ऑर्गे जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो वो कंपोजिशन है वो मेंटेन नहीं कर सकता जब तक उसके लिंक्स जो है बैरूनी अमिन उन उन जमहूरी ताक़तों के साथ नहीं है जो वही स्ट्रगल कर रही हैं जो सिंधी लोग कर रहे हैं जिनके जो है वो चैलेंज ज़िंदगी में वहीं हैं जो सिंधी लोगों के हैं कि उनके हुकूक जो हैं लैंग्वेज के हुकूक बोलो उनके पानी के हुकूक बोलो उनके खाने के हुकूक बोलो उनके रहने के हुकूक बोलो उनके सोचने के हकूक़ बोलो they all have been by the ruling classes, साथ, ही दर्द के का साथ जरूरी, दर्द। जरूरी है बिल्कुल मैं समझ के आपने बहुत अच्छा इसको डिफाइन भी किया अदम इसी अब बात चल पड़ी है तो थोड़ा दूर तक जाएगी जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि ये साइंसी तरक्की की दौड़ में हम सब बेसमत और बेध्यान भागे चले जा रहे हैं कभी कभी मंजिल नज़र में होती है और कभी कभी मंजिल नज़र में नहीं होती तो ये एक अजीब हिज़ानी कैफियत मैं समझ सकती हूँ जो हर शोबे में अपनी अपनी कुत के मुताबिक शरायत कर गई है तो इसी चीज़ों के बारे में सोचते हुए मेरे जहन में एक बात उठी कि जैसे बाक़ी मीडिया जो है वो हर चीज़ के ऊपर छा गया या मीडिया ने हर चीज़ को जो है वो अपने अंडर लिया इस हिसाब से आपको आ, क्या लगता है कि सिंधी मीडिया से वस्तगी होने के बाद आपको ये एहसास होता है कि कोई आ, इस दौड़ में तेज़ रफ्तारी में आती हुई जो भी तब्दीलियाँ हैं उन्होंने सिंधी अदब पर या सिंधी अदब ने उस मीडिया पर कुछ असरा छोड़े होंगे आपकी इसमें क्या राय है आ, एक आ, कहा जाता है ज़्यादातर कि अखबारों में जो लिखा जाता है वो वो भी एक अदब है लेकिन जल्दी में लिखा जाता है वो जो लवाजमात आप अफसाने में अफसाने के लिए होते हैं अफसाना लिखने बैठते हैं वो लवाज़मात जो आप शायरी में अप्लाई करते हैं हो सकता है कि आप वो जब अखबार में लिखना शुरू करें तो वो लवाजमात पूरे ना ना कर सकें क्योंकि वहाँ एक डेड लाइन होती है टाइम कंस्टेंट होता है कि इस टाइम में आपने आर्टिकल भी लिख के देना है इस टाइम में आपने एडिटोरियल लिख के देना है क्योंकि अखबार छपनी है और अखबार छपेगी तो आ, लोगों तक पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी तो आपकी तनख्वाहें भी आएंगी लिखने वाले की तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको इन चीज़ों को मुतासर करती हैं और मैं के, के, इसको कहते हैं अब्दुल कादिर जुने जो भी अक्सर हमारे बहुत बड़े राइटर अफसाना नगार वो कहा करते कि ये जल्दी में लिख लिखे जाने वाला जाने वाला अदब है जो अखबार में लिखते हैं और उन्होंने बड़े अरसे तक काविश के लिए लिखा और मैं इसको इस हिसाब से कंपेयर करता हूं कि जब फ़ाल हुआ सोवियत यूनियन का अखबारें तो, तो बहुत सारी रवायतें भी तब्दील हुई आ, हो सकता है फ़िक्शन की या जो क्रिएटिव लिटरेचर है वहाँ रवायत तब्दील ना हुई हों लेकिन जर्नलिज्म में बहुत हुई उसका एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है मखदूम साहब बैठे हैं वो, वो उस पर बात कर सकते हैं कि सोवियत यून के फाल के बाद जो केडर था लेफ़्ट का आ, जो प्रोग्रेसिव था और रोशन ख्याल आ, केलवाया जाता था उनको कोई जाए पनाह नहीं मिली अखबार के बग़ैर तो उन सब लोगों ने तकरीबन जर्नलिज्म जॉइन कर लिया तो ट्रेंड भी चेंज हुए क्योंकि वो जो बात करना चाह रहे थे वो जो उनके आदर्श थे उनके ख्वाब थे वो जो तब्दीली लाना चाह रहे थे वो तब्दीली इमरान खान वाली नहीं वो दूसरी वाली तो उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने जर्नलिज़म में की तो आपको बहुत सारे लेफ्ट के लोग मिलेंगे कि वो उन्होंने सोवियत यूनियन के फाल के बाद जर्नलज़म को ज्वाइन किया तो वहाँ ट्रेंड भी चेंज हुए और लिटरे एज़ कम्पेयर टू क्रिएटिव जो आपका अदब है अखबार में लिखने से आपको एक बिल्कुल क्विक जो रेस्पांस है ना वो मिल जाता है कि आप जो लिखा है उस पर क्या रिएक्ट कर लोग करते हैं तो हमारे यहाँ मैं नाम गिनवा सकता हूँ जब मैं काविश के एडिटोरियल सेक्शन का इंचार्ज था तो अमर जलील भी कॉलम लिखते थे और अब्दुल्कर जोने जो बड़े क्रिएटिव नाम है मखदूम साहब ने जिक्र किया जलील साहब का आगा रफ़ीक अफसाना और ड्रामा लिखने वाले थे वो वहाँ आर्टिकल लिखते थे और शोकत शोरू साहब जो हैं वो क्रिएटिव राइटर थे उन्होंने कॉलम लिखना शुरू कर दिया अखबार में और जैसे शेख अयाज साहब का जिक्र हुआ कि बहुत बड़े हमारे शायर हैं पिटाई के बाद तो वो तो एक अखबार के एडिटर भी बन गए बरसात अखबार 94 में शायद शुरू हुई थी हसन भी वहाँ कॉलम लिखा करते थे रेगुलर तो उस अखबार के वो एडिटर बन गए तो मैं समझता हूँ कि आ, उसका इम्पेक्ट हुआ या नहीं हुआ लेकिन ये है कि उसकी इम्पॉर्टेंस जो है ख़ुद क्रिएटिव लिखने वालों के लिए भी बहुत बड़ी थी अखबार की तो उन्होंने वहाँ कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग हैं जैसे आ, मैंने लिखना शुरू किया था अफसाना कहानी से लेकिन जब अखबार में चले गए तो वो जो एक थर्स्ट लिखने की तो वो कालमों में मतलब वो फ्लेवर लाने की कोशिश की कि चलो ये एक आ, कालम का कालम और कहानी की कहानी भी हो जाएगी तो बहुत सारे लोग लिखने में अपने अखबार का कालम होता है लेकिन वो कैरेक्टर भी वहाँ क्रिएट करते हैं और उन कैरेक्टर की जो है वो मार्फत लोगों से मुखातिब भी होते हैं और डिक्शन का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है और डिक्शन हम तो समझते हैं कि शायद कोई लिटरेचर में ही है लेकिन जो अखबार के कॉलम हैं उनमें भी डिक्शन की बड़ी इम्पॉटेंस होती है ख़ुद हसन जब लिखते थे सिंधी में और अभी भी लिखते हैं उर्दू में जब बीबीसी पे तो इनके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसके साथ इनका डिक्शन भी जो है उसको भी लोग रिकगनाइज करते हैं और अगर ये बहुत सारे हमारे पास लिखने वाले हैं अगर वो अपना नाम ऊपर हटा भी दें तो लोग डिक्शन से समझ जाते हैं कि ये हाँ फला आदमी की, की ने लिखा हुआ है शायरी भी ऐसे ही है हमारे पास तो अगर शेख अयाज का शेर है और उसका नाम नहीं भी है तो लोग समझ जाएंगे शेख अयाज का शेर बिल्कुल एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई है आपकी बात सुनने के बाद जो चारों आप लिखा रही हैं तो आप मुझे शायद कोई मुतमिन जवाब दे सकेंगे कि जिस तरह मीडिया अंदाज़ हो गया है अब हमारे ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा जो ट्रेजेडी हो रही है वो अखबार जो हैं हमारे यहाँ निकाले जा रहे हैं अखबार पब्लिशर्स तो आपको नहीं लगता कि आने वाली नस्लें अखबारों से तो दूर हो ही जाएंगी और ये आदत हटते हटते अगर किताबों के मुताले पे जाके ख़त्म हुई तो मेरा ख़्याल है कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो किताबों के मुताले से भी दूर होती चली जाएगी तो ये एक ट्रेजेडी है आप लोगों के जहन में कोई ऐसी बात है कोई ऐसा तरीका कोई इस तरह का कोई ऑप्शन हो जिससे हम आ, मीडिया की इस जंग को तो नहीं हरा पाएंगे लेकिन ये है कि कुछ थोड़ा सा किताबों से मोहब्बत का कोई एक निशान बाकी रह जाए तो कुछ चंद आने वाले बच्चे आने वाली नस्लों के लिए थोड़ा सा ये मौजू जो है हमें रखना पड़ेगा जितनी नेगेटिविटी जो है वो हमारे माशरे में बढ़ चुकी है इसमें किताबों के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती रखना बहुत ज़रूरी है तो आप लोग अगर किसी के पास कोई ऑप्शन है कोई बात आप इसके लिए करना चाहें कि क्या किया जा सकता है तो प्लीज़ रोई ने जो बात की है वो अपनी जगह पर अहम है लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो नई मीडिया आ रही है उसका छोटी कौमों को बहुत फ़ायदा होगा छोटी कौमों से मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई कौम छोटी या बड़ी होती है कौमें कौमें हैं लेकिन जिनके पास रिसोर्स बहुत कम है उनके लिए नई जो मीडिया इंटरनेट की है वो बहुत बड़ी पावरफुल है पहले मुझे याद है जब मैं किसी के वो हुआ करता था किताबें छपवाता था तो कितनी मुश्किल होती थी किताब छपवाने के लिए कहाँ कहाँ जा के वो मैनुअल टाइप ढूंढने पड़ते थे अल्फाज बनाने पड़ते थे और सालों लग जाते थे किताब के सिर्फ़ अलग अल्फाज ढूंढते हुए लेकिन आज आप वही काम एक दिन दो तीन दिन में आप कंप्यूटर पे करके इंटरनेट पर आपको पब्लिश कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है हमारे लिखारियों को जिनके पास पहले रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे जो लोग पहले लोगों तक अपनी बात पहुँचा नहीं सकते थे अब उनके पास रिसोर्स आ गए और ये इसका एक एडवांटेज होगा और ये अभी अल्टरनेट मीडिया के तौर पर भी काम कर रहा है क्योंकि पहले जो जो मीडिया हमारे पास इस वक्त आ गई है अनफॉर्चुनेटली पूरे वर्ल्ड में ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन के कोलाप्स के बाद पूरी मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर न्यूज़ पर कंट्रोल हो गया है बिग, बिज, बिग बिजनेस का वो वो पहले एक एजेंडा बनाते हैं वो एजेंडा अपने एडिटरों को देते हैं और एडिटर सिर्फ उसी दायरे में रहकर बात करते हैं उसे बात यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि नोम चॉम्स की जैसा ग्रेट ग्रेट फिलासॉफर और फ्रीडम फाइटर जितने वियतनाम के लिए इतनी जंग लड़ी और इतना बड़ा नाम है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों में उसकी जो उसकी जो फिलासफी ऑफ लैंग्वेज है वो इतनी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन है लेकिन आप उसको कभी भी किसी मीडिया पे नहीं देखेंगे कोई इसको नहीं बुलाएगा क्यों क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है इस्टब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि वो इतने एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहे अब बहुत हद तक अक्तक, बहुत हद तक अब वो कंप्रोमाइज भी कर चुके हैं लोग लेकिन उसके बावजूद भी वो नाकबले कबूल है तो अल्टरनेट मीडिया का एक फ़ायदा है मैं समझता हूँ कि जो लोग लिखना चाहते हैं पब्लिश करना चाहते हैं मीडिया को यूज़ करें टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और लोगों तक अपनी वॉइस को पहुँचाएँ ये इसका एडवांटेज है बाकी ये कि देखो हिस्ट्री जो है ये साकत नहीं है और जो चीज़ हम आज देख रहे हैं ये हमेशा नहीं रहती ये आज से ढाई तीन हज़ार साल पहले जो यूनान में लिखा गया क्या नहीं लिखा गया क्या शानदार फिलासफी लिखी गई कि उसके बाद क्या हुआ जब रोमन एम्पायर ने वहाँ जाके कब्जा किया और तबाही फहराई और जो सूफियों को वहां से मारना शुरू किया तो बीच में गैप आ गया तकरीबन दो साल तीन साल का गैप आया फिर वहाँ से लोग जो सूफी निकले थे वो दमशक में आ गए और दमशक से फिर नया सिलसिला शुरू हुआ फिर वो आगे सिलसिला शुरू हुआ फिर बीच में 700-800 साल कहते हैं कि जिसको डार्क एजेस कहते हैं डार्क एजेस में कोई लिटरेचर नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है लेकिन वो फिर जब रैननास आया रेने अंग्रेजी मेरा लफ भूल जाता हूँ वो जब तब्दीली आई इटली के अंदर फ्लोरेंस के अंदर तो फिर वहाँ से एक नया सिलसिला शुरू हुआ है सिंधी अदब में भी ऐसे है सिंधी अदब में भी फेजस आते हैं मुझे याद है एक, एक मेरे हिसाब से सिंधी अदब का जो गोल्डन एज है वो है लैंग्वेज के मसले पर मजामत और ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो मजामत की गई खासकर जो जिसको मैं सुनी मैगजीन का दौर कहता हूँ जो जिस दौर का मैं मैं पैदा हुआ हूँ मैं मैं समझता हूँ कि इतना शानदार इतना रिच दौर है जिसमें इतने रिध ने पैदा किए जिस जो कि हर एक अपने लिहाज से कमाल है अमर जलील क्या शानदार उनने लिखा ख़ास तौर पर जो समाज के अंदर मसले थे हिंदुओं के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जो ज़्यादा हो रही थी उसके ऊपर जो उन्होंने लिखा वो जेलें मुक्ति उसने सरदलाश का सफ़र क्या क्या उसने बात की हम उससे चलो लोग कहते हैं कि वो इतनी पावरफुल अफसाना नहीं है लेकिन जो उसके अंदर मैसेज था अली बाबा वो चीज़ें शौकत छोरो वो वो चीज़ें अली बाबा ले आया जैसे जैसे कि हम ढूंढते फिर रहे हैं काले ऊँट को हमारे काले ऊंट खत्म हो गए हैं उन्होंने उसके दर्द पे लिखा कि हमारा जो काला ऊंट गायब हो गया है उसका मुझे क, उसको कितना दर्द था उसने उसी के ऊपर लिखा यानी जो चीज़ें हमसे निकल रही हैं या चांद को अपने रोटी से तशबी देना गरीब के भूख को रिप्रेजेंट करना और मैं कितने उसमें लिखारी के नाम लूँ लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मजमत रही है सिंधी अदब की जो सबसे बड़ी खूबी है जो मैं समझता हूँ कि बर सग़ी में बंग्लादेश बंगालियों के साथ बंगालियों के साथ अगर कोई लिटरेचर कंपेयर करना है मजामत के हवाले से स्ट्रगल के हवाले से तो ये जो है ना वो बहुत ही शानदार है जिनमें आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज मिलेंगी क्योंकि दोनों धरती के लोगों के लिए, लिए लिखते हैं लड़ते हैं अदीबों के अंदर लिखने के साथ साथ लड़ना जेलों में जाना बहुत ज्यादा सोबतें सहना ये इन इन दो कौमों में बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ ये मेरा बहुत ज़्यादा नहीं बिल्कुल आपकी जो आपने पॉजिटिविटी उसमें जिसका जिक्र किया उससे तो कोई इनकार नहीं है मैं इतफाक़ करती हूँ उस बात से और इसी इसी बात से एक छोटी सी बात निकली है कि आ, मेरा ख़्याल है हसन भाई आप इसका सही जवाब दे पाएंगे कि आपकी नज़र में सिंधी अदब और शायरी में बैन अवीत पसंदी का क्या रुझान है आप उसके बारे में क्या कहेंगे देखो सबसे बड़ा जो कदर है इंसानियत का वो है मोहब्बत और मोहब्बत जो है इंसानियत का मुश्तर कदर है मोहब्बत अगर मैं एक लाइन में उसे बयान करूं वो होगा कि सिंधी अदब जो है वो मोहब्बत का अदब है इंसानियत का अदब है उसकी मैं आपको एक मिसाल बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं कोशिश करूंगा कुछ उनमें से दूं एक मिसाल शेख अयाज की एक नज़म है जिससे भी हुआ जिस जगह हुआ जो भी या वो जैसे गोया मुझ पर म हुआ है जिसको भी छुरा जिस छाती में भी लगा जो मैंने समझा वो मुझको ये छुरा लगा है जिसका भी कहीं पे तो गुलामी का छूटा मैंने समझा जैसे मेरी गर्दन हल्की हुई नफकत ये बड़े सग़ीर में किसी भी जुबान में ऐसा कोई शायर नहीं जिसने एन फ्रैंक पे पूरा चे, पूरे चैप्टर लिखा हो अपनी शायरी पे शेख आयाज़ की शायरी जो है एन फ्रैंक की सोलिडिटी में है और शेख अयाज की शायरी जो है वो चेकवेरा पे की मौत पे उसने नजम लिखी है कि जै आजाद गुजारे है मौत उन काशे ना है जै आजाद हो है मौत काशे ना है बिख विखते पंजोड़ी शीह के भी अकाबी चंबे भो में आखेर ओट वी तो शेख अयाज ने उस पर भी लिखा शेख अयाज ने सोलज न्सन पर भी लिखा जाहिर साहब उससे खिताब करते आए सारी जिंदगी कि मेरे सोलज न मेरे भाई अपनी बरदरी कितनी ना मुख्तसर है उसने जैन पेस्टोनाक पर पे भी लिखा उसने मायाकोवस्की पर भी लिखा उसने जो है आ, 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 लोरका पर लिखा उसने संत जनरल सिंह उसने नजम लिखी उसने जो है उसके अलावा उसने जो है राजघाट से राजघाट से चंद्र राजघाट चंद्र उनके एक मजमू का नाम है उनकी नजम के नजम की एक लाइन है राजघाट घाट दे चंद्र अना चमके तो राजाट वो जगह है जहाँ पे गांधी के सारे जो है मदफन है और जो समाधियां हैं तो शेख अयाज जो है और आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि जब और इसके लिए उसने ही पेड है बड़ा उसका अच्छा जब जंग हुई पैंसठ की अब पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शायर नहीं जो जंग भी अगर पाक, हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो तब भी वो शायर जेल में पड़े शेख हयाज़ 1965 की वार में जो है अपना शोभो ज्ञान चंदानी और शेख हयाज़ ये जेलों में थे जब तक वो जंग ख़त्म हो गई क्यों उसने नजम लिखी ये संग्राम साम हुआ नारायण श्याम नारायण श्याम उनका कंटेम्प्रेरी और दोस्त शायर है जो सिंध जो हिंदुस्तान में है जब सिंधी अदब की बात करते हो तो मैं कहता हूं हिंद और सिंध का सिंधी अदब आज के पाकिस्तान का अदब उसने नारायण श्याम को दिया ही, ही संग्राम कि ये है जो है संगीन जो भी संग्राम ये मेरे हाथ में संग्राम है सामुआ नारायण श्याम जा मुंजा कोल बसा गया बोल बसा गया उसके जो है कोल भी एक से है और बोल भी एक से है जुबान भी एक से है।

नतीजा क्या हुआ नतीजन शेख खयाज जो है जेल पर धारे और 71 में भी शेख अयाज जेल में थे साहब के साथ तो ये तो ये सफ़र है सारा और अगर इजाज़त हो तो एक और नजम सुनाऊँ जो जरूरी है यहाँ पर, पर शेख अयाज की एक और नजम है जो मुझे बिल्कुल बम क्या कहते हैं उसको है। है है रे 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 तो वो है में आहन, बर, सर्दी में संगीनु संगीन वर्दी वारा भूट चिंता कि सर्दी में संगीनु आन वर्दी वारा बूट अचन था कि सर्दी में संगीने हैं और वर्दी वाले बूट आ रहे हैं औठा पैर परे का पधरा मुंजी चाइण से तरसन था ताहिर साहब औठा पैर अजनबी कदम दूर से महसूस होते हैं और मेरे जो हैं उस पर रुक जाते हैं अपना क्या कहते हैं सशोल पे रुक जाते हैं मुझी चाण थे तरसन था दरते ठक ठक कर्दी में संगीनु आयन वर्दी वारा बूट अचन था परे का पदरों मुझी चाणसन दरते ठक ठक हिसल हाव उबेरा उल्का सारा भाती डक डक कन के अंदर जो बैठे हैं घर के मेंबर वो सारे कांप रहे हैं आई दरते ठक ठक कन फिर क्या कहता है रोज़ तोखे एड़ा गीत लिखी छो तो कि मैं तुम्हें रोज कहती थी बाबा छोटी बच्ची कह रही अब रोही वो बड़ी हो गई है डॉक्टर बन गए मु रोज चाहे थे तो के बाबा तू अड़ा गीत लिखी छो तो तू जे तो जंजीर विजन था कि क्यों ऐसे गीत लिखते हो जो तुम पे जंजीरें डालते हैं तो के देश द्रोही कोठे कूड़ा काहर बक बक वो झूठे और सफाक जो है तुम्हें देश और गद्दार कहकर जो है बक, -बक करते हैं आई हूं डरते ठक ठक करता बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत अच्छा है न, ये कलाम वो कलाम है कि जिसमें जुबान समझ में नहीं आएगी लेकिन आप जज्बे आपके दिल को छू जाएंगे अच्छा ये हसन भाई ने जो बात की कि वो शेख अयास का जिक्र छिड़ा और बहुत सारे हवाला दिए एक चीज आ, मेरे जहन में भी आई कि आ, शेख अयास वाहिद हमारे शायर थे जिन्होंने भगत सिंह पे मंजूम नाटक लिखा था बिल्कुल तो आ, उनके पास ना जबान की चीज़ थी ना मजहब की कोई चीज़ थी और पैंसठ की जंग का जिक्र किया हसन ने नज़म भी सुनाई उस पर एक और उसकी छोटी तीन चार लाइनें थी कि जब वार होती है तो ब्लैक आउट होता है आप बतियां बुझा देते हैं तो उन्होंने लिखा था कि ही जो चौदही चंड खिड़्यो ही जो चौदही चंद्र खिड़ोआ रात त ना ही डी डो के केर वसाई सको इनके केर विसाए सगत हो ये जो चांद है इसको कौन बुझाएगा ये तो इसने तो दिन कर दिया है पूरा तो वो उनकी जो अप्रोच और वो सारी तो वो बड़ी आ, मतलब इंटरनेशनल जो थीम्स थे तो उनको छुआ करती थी थैंक यू अदा अदा पितांबर मां तहां जो लिखनियो बटे पढ़ियो उनन का पढ़न का पो मुखे अंदाजो थयो तो तहां उन जे सिंधी अदब में सूफी ए तस्फुफ़ड़ो रंग है उन ताढ़ो इम्प्रेस किया तो मुखे लगे तो, तो इन जो बेहतर जवाब तह दई सको जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि साइंसी दौड़ जिसका बार बार जिक्र आता है उसको रोक नहीं सकते उसमें जैसे कुछ मिसबत असरात हैं साथ साथ मनफी असरात भी जो है वो हमारे माशरे पे और हमारे अपने किरदारों पर भी मुरतब होते हैं उससे इनकार का तो खैर जवाज़ ही नहीं और उस पर उठने वाली आवाज़ें जैसे हैं उनकी गूंज सुनाई देती है तो हम उसको भी जो है वो कभी मजहब का रंग देते हैं और मजहबी दहशतगर्दी का नाम देते हैं तो इस घुटन के माहौल में मुझे लगता है कि हम अपनी जो हमारी बेस थी जो सिंधी अदब की बेस में सूफी और तसवुफ़ का एक रंग था उस रंग से थोड़ा सा परे हो गए हैं या वो रंग जो है कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा मध्यम पड़ गया है तो मैं अदा पिताम्बर से ये पूछना चाहूँगी कि सिंधी अदब की बात करते ही ख़्यालों में जो एक सूफ़ी सेकुलर और तसव्वुफ जैसे पुरमन ख्याल बिल्कुल एक रोशनी की तरह जहन में उभरते हैं तो उससे हो सकता है कि, कि किसी सोच का रास्ता और ज़्यादा साफ दिखाई देने लगे तो पूछना चाहूँगी कि इन रंगों को इन सूफ़ी तसव्वुफ और ये फ़लसफे के जो फनाह का फ़लसफ़ा है उसमें इन रंगों को आप किस तरह देखते हैं आप ज़रा हमारी ऑडियंस से अपने ख्याल शेयर कीजिए शुक्रिया रोहित। अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो बात कर रहे थे उसमें शाह शाह अब्दुल्ती बिटाई का जिक्र आया सचल सरमस्त का जिक्र आया और शेख हयाज का जिक्र आया अब उसी पे मुझे एक चीज़ याद आई कि अब सचल सरमस्त की जो बाग़िया शायरी है और वो भी अगर शेख एयाज ने तर्जुमा की हो तो क्या बात होगी मैं उसके गजल के चंद फिक्र आपको सुनवाता हूं शूर खास से उलझे शौर खास से उलझे शौर आम से उलझे हमारा मसल के परवाज किस किस दाम से उलझे सबा जब, जब जुल्फ जाना का सबा जब जुल्फ जाना का पयाम मुश्क बुल आई कभी हम कुफर से उलझे कभी इस्लाम से उलझे सचू सचू सच और अपने कह सचू हर कैफो मस्ती कुफ्र है सचू हर कैफ व मस्ती कुफ्र है इस बज़ में हस्ती में ये दोरे जाम कब तक ये दौरे जाम कब तक गर्दश आयाम से गुजरे सिंधी सिंधी लिटरेचर में ख़ास पोइट्री में जो हमारा मसला रहा है वो रहा है कि किसी ज़माने में मैं चूंकि उस, उस उसका एक गवाह सिंध के अंदर पाकिस्तान बनने के बाद या इवन पाकिस्तान बनने से पहले मुग़लों के दौर में तुर्क खानों ने जितने भी लोग आए उन्होंने कब्ज़े किए हैं उस दौर में एज ए हिंदू के तौर पर रहना हमेशा एक क्वेश्चन रहा है और जो तसवफ़ है उसमें बहुत ज़्यादा जो माइनॉरिटी के साथ या कमज़ोरों के साथ जो और ज़्यादती होती है उसको सूफियों ने बहुत अच्छा पेश किया है और इतनी बहादुरी से पेश किया है कि उन्होंने अपनी जाने भी गंवाई मैंने इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज का प्रोग्राम किस तरह होगा तो मैंने अपने तौर पर तैयारी की थी अब उसमें से छोटा सा मैं जो तैयारी करके लाया था एक चीज़ आपके आगे पेश करता हूँ सिंध में जो आरफाना अदब है उसमें उसके बहुत सारे पहलू हैं सारे पहलुओं को हम टच नहीं कर सकते लेकिन मैं जो मेरा पसंदीदा अपने दिल से लगने वाला जो मौजू है वो है फना के फना के फलसफे को सिंधी पोइट्री में या सिंधी अदब में किस तरह पेश किया गया है मोए हाथियसी मामरो रो अची अंदन पियो मनाड़ी न हथ सी अख्य न की न पसंद फ़ी अल हकीकत फेल के सजा सुन संधि सरदारन बसीरत बिना करे यो शाह साहब जो शाह साहब का एक बेहद था और आगे सचल सरमस चूँकि शाह साहब ने जो बातें की हैं चाहती बिटाई ने सचल ने थोड़ा उनको खुल के खुल के बातें की है उसे और भी अगले मरेले पर ले गई हैं वो बहुत बहादुर आदमी थे वो पूछता है जहड़ो आही तेड़ो हुंदे, दें जेहड़ो आही तेड़ो हूँ दें फनादे झा तुम कैसे तुम्हें कौन फना कर सकता है फना क्या है आला के तसव्वुफ में अक्सर लोग वहदतुल वजूद को बहुत ज़्यादा उस पर बात होती है बहुत बड़ा मौजू है लेकिन मेरे ख्याल में जो जमान और मकान का मौजू है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है मेरी जो कोशिश रही तस्वुफ़ को समझने की तो जब मैंने बैक ट्रेप किया इसको, अपनी रिसर्च में तो मैं जाके यूनान पहुँचा और मुझे ये बात जो मेरा अंदाज़ा है कि हमारा जो तसवुफ़ है वो वही कंटिन्यूटी है अफलातून के फलासाफी की डिफरेंट अंदाज में हमने रिप्रेजेंटेशन किया लेकिन जो जो मॉडल है वो ज्यादातर अफलातुन के ख्याल से ही आता है अफलात में आपको इस लिहाज से पहले अफलातुन का एक कुछ जुमले यहाँ पेश करता हूँ ताकि फिर हम आगे जमान और मकान पे अदब पे चलते हैं अफलातुन ने बहुत सारी डायलैक्ट लिखे थे लेकिन उनका जो आखिरी डायलैक्ट था उसका नाम था तमियस तमियस यूनानी में टाइम को टाइम कहते हैं और इसी लिहाज से वह बनता है वो इसी किताब में कहते हैं कि वजूद वाहिद है वजूद वाहिद है और वक्त कसरत और एक जगह पे कहते हैं वक्त वजूद का तजाद है वक्त वजूद का तजाद है मैंने इसका मतलब ये समझा है कि वजूद या वद वक्त से बाला तर है वक्त फकत आर्जी फ़ानी दुनियावी चीज़ों पर लागू होता है जो मकान के अंदर रहते हैं वजूद जमान और मकान से बाला तर है जमान वो हरकत है जिसमें वजूद का साया नज़र आता है वजूद लाफानी ना ख़त्म होने वाला मोशन है यह अफला तुमने कहा था के वजूद लाफानी ना खत्म होने वाला मोशन है मोहम्मद साधक नक्शबंदी इसको जो हमारा एक सूफी है वो कहते हैं कि मौत एक पुल है मौत एक पुल है जिसे गुजर कर एक दोस्त दूसरे दोस्त की तरफ चलता है इसी पे जो सोचता रहा तो मुझे एक कुरान पाक की आयत याद आई जो मुझे एग्जैक्टली तो समझ में नहीं आई लेकिन मैंने अपने तौर पर उसको सोचने की कोशिश की वो ये कि रब पाक कसम लेते हैं जमाने की कसम जमाने की कसम बेशक इंसान खसारे में है हम कसम किसकी लेते हैं कसम उसकी लेते हैं जो हमें बहुत प्यारा हो बहुत अजीज हो जिसे हम बहुत मोहब्बत करते हो तो मैंने सोचा कि रब पाक को वक्त की कसम लेने की ज़रूरत क्या थी किसी और चीज़ की कसम लेते पहली बात उसको ज़रूरत क्या थी कसम लेने की वो खुद ही रब है जो भी कहें कहें लेकिन उसने अपनी बात को कहने के लिए वक्त का वक्त की कसम ली और फिर क्या कहा कि बेशक इंसान खसारे में है तो एक तो वक्त इतना अहम जबान इतना अहम और फिर उसमें यह कहना कि के इंसान खसारे में है तो खसारा किस चीज़ का है खसारा क्या है इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा खसारा क्या हो सकता है यहाँ एक कैनेडियन सरमाएदार था उस, उसने उसकी एक मैंने बात सुनी उसके कारण मैंने अरबों डॉलर कमाए हैं मैं मेरी बदकस्मती ये कि मैं एक बिलियन डॉलर दे भी चंद मैंने खरीद नहीं सकता यह वो ाल है जो किसी बाजार में नहीं बिकता तो ये सबसे ज्यादा हमारा दर्द है एक ह्यूमन बींग का कि हम कुछ भी करें लेकिन अल्टीमेटली हम खसारे में ही हैं और वो खसारे में किस तरह हैं कि हमारा वक्त मुकर्र है अगर हमारा वक्त मुकरर ना हो तो फिर मसला क्या है तो हम अच्छा चलो फिर ये वजूद और जो फना का टॉपिक है ये इतना वसी है कि इसमें हफ्तों की शामें गुजर जाएंगी और हम सुनते रहेंगे और इल्म वाले बोलते रहेंगे लेकिन वक्त का तकाजा है कि अब सेशन बिल्कुल ख़त्म होने को है तो अगर आप में से कोई आखिरी चंद बातें करना चाहे हसन भाई आप या मंजूर भाई आप और साथ में थोड़ा सा मुझे जो हमारे सिंधी अदब की खूबसूरती है उसका एक मेन पहलू है कि हमारे यहाँ बहुत ही खूबसूरत मजाहमती शायरी जो है वो उसका एक आंसर आपको हमेशा दिखाई देगा इसलिए कि सिंधी लोग क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ पंजाबी हाँ आसी बड़े दिल वाले होंगे हाँ तो जिथे कितने मौका लगता है साढ़ा तो असी छे कोई नहीं मगर इसके साथ साथ जो मैंने एक चीज नोट की कि सिंध के लोग जिस तरीके से और जिस सोच को लेके अपनी जमीन अपनी मिट्टी अपनी धरती जुबान के साथ जुड़े हुए हैं इस तरह मैंने और सकाफतों के साथ लोगों को जुड़े हुए नहीं देखा कि, कितने है। अब जो है वो मुझे सिर्फ दो तीन मिनट के कंक्लूड करें आप बताइए अच्छा। तो जनाब सन ये, भासन ये जो है सिर्फ ये नहीं कि सिंधी सिर्फ मुजामती शायरी है यू you know? नो सिंधी में मुजामती शायरी और मुजामती अदब अपनी जगह मगर कुछ ऐसी टाइम लेस चीज़ें लिखी हैं सिंधी रोमांटिक भी बड़े हैं और जो है मतलब के मोहब्बत करने वाले भी बड़े हैं और और उन्होंने जमालियात भी बड़ी मैं सिर्फ <laughs> शेख अयाज का शेख अयाज की उर्दू की शायरी के चंद चंद लाइनें सुनाऊंगा जैसे आपको अंदाज़ जस्ट टू अ फील दे मेरी रूह की रागनी सुन रहे हो शेखयास से मेरी रूह की रागनी सुन रहे हो शिकस्ता सी ले है शिकिस्त से नगमे पुरानी सी मैं है पुराने से शीशे जिन्हें मैं चुरा लाया हूँ साकिियाने अजल से बसत रंजना से बसत जोम जाहिद पिलाता रहा हूँ नए में कशों को जुरूहे अब में तराशे गए थे वो स्नान लाया हूँ लेकिन कहीं वो जबीने नहीं है कहीं इम्तियाज प्रश्न नहीं है मुझे याद है वो जमस्ता की रातें सितारे ठटरते थे बामे फलक पर मैं आतशी जाम में जम गई थी मेरे मेरे सर्द कमरे में शम फरोजा उलझने लगी मौत की तेरगी से अचानक हवा दा अंगेठी का ईंधन देखने लगा था अचानक हवा से एक चिड़िया शबे तार से भागती आ गई थी नन्नी मुन्नी सी थी सरासीमा सी थी घड़ी दो घड़ी गर्भ रोशन फजा में रही फिर उड़ी जब से मेरे लिए एक तमसील सी बन गई है ये वक्फ़ा ये आलम सरा सहमगी का घड़ी दो घड़ी गर्भ रोशनी का हयात बशर है <laughs> ये मैं बताऊं <बताँगा> आपको <laughs> बहुत लोग, लोग, लोग लोगों को जो है ना फरामोशी की बीमारी होती है मेरे दोस्त कहते हैं मुझे याद रखने की बीमारी है। <laughs> और ए, ए, एक और चीज उसमें यह है कि हमारी एक इंस्पिरेशन एक हमारा भाई हमारा कॉमरेड हमारा दोस्त उसका नाम था सेफ बनवी और सेफ बनवी कि मेमोरी जैसे हसन साई की है वैसी थी और उसकी खूबसूरती ये थी कि वो सारी सारी रात बैठ के हम सब कॉमरेड्स को वो जो है वो ये शायरी सुनाता था वा वा। उसको आया, वो अयाज का हाफिज था वा वा। <laughs> बाकी सिंधियों की जमालियती हिस्स और उनकी आशकियों के तो क्या कहने हमारे जो सूफी शायर हैं जो हमारे सिंधी शायर हैं शाह लतीफ़ बिठाई उन्होंने जो कलाम लिखे उन्होंने जो भी कलाम के अंदर जो उनके जिनको हीरो साबित किया गया है, जिनको हीरो लिखा गया वो सब की सब औरतें हैं तो, तो औरतों के इस उस पर तो अगर इनमें आश की नहीं होती मोहब्बत नहीं होती तो पंजाबी कुड़ी आज थे बैठी नहीं सी होनी <laughs>